सानू छड़न दा ते साड़ा भी जी नहीं करता तुहानू छड़न दा। जकारियां दी गूंज लगदा अज सारी रात चलनी है, अगले दिन सवेरे साड़ी हाजरी इंदौर दे विच है। साथ संगत जी एक गल आप सारियां नाल सांझी करनी सी, असी चाहुंदे नहीं सी सांझी करना पर वीर जी ने कहा कि तुसी जरूर इसका जिक्र करना। साथ संगत जी मेरी हिंदुस्तानी जिहड़ा शास्त्रीय संगीत हुंदा है क्लासिकल म्यूजिक, उहदी मेरे 6th ईयर चल रहा है। पिछले 5 साल दी डिग्री गुरु साहिब जी दी कृपा दे नाल पूरी हो गई ते 6th ईयर दा एग्जाम सी, ते कुदरती गल ऐसी हुई कि 6th ईयर दे एग्जाम दी डेट पई 24 ते 25 तरीक। ते हुण साडे टीचर साहिबाना ने कहा कि या ते तुहानूं इह पेपर देना पएगा या ते तुहाडा पूरा साल बर्बाद है, फिर तुहानूं अगले साल फिर अप्लाई करना पएगा। क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत नूं सिखण दे विच एक राग विद्या लैण दे विच बहुत ही मेहनत लगती है, ते असी सोचिया कि कोई गल नहीं जे उस एग्जाम दे विच फेल हो भी गए तां कोई गल नहीं, पर असी ओ एग्जाम नूं छड़ के तुहाडे देवास दीआं संगतां दे दर्शन करन दे लई आए हाँ। क्योंकि ओ डिग्री तां चलो अगले साल 7th ईयर दे विच सानूं दोबारा अप्लाई करना पएगा, ते तां जाके 6th ईयर दी ए पूरी डिग्री हुंदी है जो कि मिलनी सी। साध संगत जी उस पेपर दे विच फेल हो जाइए कोई दिल नूं गम नहीं, पर उस गुरु दे पेपर दे विच नहीं फेल होने चाहिए, यही साढ़े जीवन का असली मकसद है। इसलिए आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा नाल ते गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा दे नाल असी देवास दीआं संगतां दे दर्शन करन दा मौका मिलिया।